सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक विशेष तैयारी करने जा रहे हैं। एक ऐसी तैयारी जो आपको आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में आपके सफलता के लिए रामबाण साबित होगा। और अपने इस तैयारी के तहत आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम बताएंगे और इसके तहत आपकी तैयारी को एक निश्चित ही संपूर्ण आधार निश्चित ही अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास को एक नए ढंग से पढ़ेंगे। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जीएस में आता है, अधिक प्रश्न आते हैं, लेकिन विद्यार्थीगण इसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तारीख याद करना पड़ता है। यही कारण है कि अपने इस लेक्चर के तहत आज मैं इतिहास को तारीखों के माध्यम से, तिथियों के माध्यम से पूरा डिस्कस करूँगा, पूरा व्याख्यायित करूँगा। इसीलिए आज इस लेक्चर का नाम ही है तारीखों में इतिहास। यानी इतिहास के अध्ययन के दौरान आप जितने तारीख पढ़ते हैं, जितने तारीख को याद करने का प्रयत्न करते हैं, जितने तारीख को समझने का प्रयत्न करते हैं, अपने इस लेक्चर में उन समस्त तारीखों को मैं लेकर आया हूं। आज के बाद इतिहास की तैयारी में, इतिहास के अध्ययन में आपके लिए जो तारीख याद करना कठिन होता था और आप समझ नहीं पाते थे कि कितने तारीख हम लोग पढ़े, आप नहीं समझ पाते थे कि कितने तारीख हम लोग याद करें, इन समस्त तारीखों को आज मैंने अपने लेक्चर के तहत समेटा है। मेरा यह एक प्रयास है आपके आईएएस प्रारंभिक परीक्षा को सरल से सरलतम बनाना। अपने अनुभवों के माध्यम से मैंने बहुत सारे इतिहास के तारीखों को आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राचीन इतिहास से लेकर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष तक जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां आएंगी, जितने भी महत्वपूर्ण तारीख आएंगे, सबको आज यहां हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों ने इन समस्त तारीखों को पढ़ लिया तो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में या भारत की कोई बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, आईएएस से बड़ी तो कोई परीक्षा भी नहीं है, चाहे कोई परीक्षा हो, कम से कम इतिहास को लेकर तारीखों की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। तो आइए हम लोग प्रारंभ करें। हम सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास से लेकर चलेंगे और अंत तक 15 अगस्त 1947 तक चले जाएंगे। चैप्टर के माध्यम से भी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में याद करने वाली क्या क्या प्रमुख तारीख है जरा आप समझ लीजिए। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीलों का खोज किया था। 1826 में, जो लोग ये जानते हैं कि 1921 में ही पहली बार खोज हुआ था, ऐसा नहीं है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों का खोज किया था, लेकिन वो इसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाए थे। 1853 में जनरल कनिंघम ने यहां से लिपिबद्ध मुहरों की खोज की थी, लिपिबद्ध मुहरों की, लेकिन वो भी इसके ऐतिहासिक महत्व को समझ पाने में सफल नहीं हो पाए। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, और यहीं से शुरू हो गया भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज, जो खालिस नगरीय थी। ठीक है ना, यानी 1921 में हड़प्पा की खोज ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, अपितु भारत के इतिहास का मुख भी उल्टा कर दिया। दुनिया में जब भी सृष्टि का विकास हुआ या देशों का विकास हुआ, गांव पहले आया, शहर बाद में आया,
भारत का इतिहास दुनिया का पहला इतिहास है जहां पहले शहर रूपी सिंधु घाटी सभ्यता आया, उसके बाद ग्रामीण रूपी वैदिक सभ्यता आया। तो 1921 में हड़प्पा राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया और यहीं से भारत की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का खोज प्रारंभ हुआ। 1922 में राखल दास बनर्जी 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज की और हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खोज ने भारत के इतिहास के सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, घग्गर हक्कारा सभ्यता और सबसे ज्यादा स्थल इसे खोजे गए गुजरात में। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख। या आप तिथियों को चाहेंगे तो अपने एक कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेंगे और अगर आपने नोट कर लिया विधिवत जैसे मैं बता रहा हूं तो तारीख की समस्या, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज किसी भी राज्य की परीक्षा हो या और भी एग्जाम हो, जितने भारत में एग्जाम होते हैं, किसी भी परीक्षा में इतिहास में तारीख समस्या या डेट समस्या, तिथि समस्या कभी नहीं बनेगा, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा परीक्षा हो। तो आज हम लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया गया। अब आइए देखा जाए कि वैदिक काल की क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं। देखिए एक चीज और पूछता है कि रेडियो कार्बन विधि से हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या निकाली गई। तो 2350 से लेकर 1750 तक। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किताबों में अंतर भी हो सकता है, इसलिए आप उसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें सब में एक तारीख लगभग बराबर, कुछ ना कुछ अंतर हर में लिखा हुआ है, इसलिए आप तारीखों को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत होइएगा। 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग मेथड से निकाला गया क्या है तारीख है किसका, हड़प्पा से पता सर। 2350 से लेकर 1750 बीसी तक जो है हड़प्पा का काल निकाला गया रेडियो कार्बन विधि से। अब आइए देखा जाए कि वैदिक काल के क्या तिथि महत्वपूर्ण है। देखिए ये सारी चीजें बहुत पुरानी चीज रहे जिसका हमारे पास कोई लिखित क्रम में इतिहास नहीं है, जब जब इसका खोज किया गया बस वही तिथियां हमको याद रखना है। तो वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ये ऋग वैदिक काल था, ठीक है, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक क्या था, उत्तर वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो ये आपको एग्जामिनेशन में जरूर याद रहना चाहिए। जिन तिथियों को मैं बता रहा हूं आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके आईएएस की परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ठीक है। जिन तारीखों को आप डिनाई करते हैं, जिन तारीखों को आप लापरवाही से देखते हैं या गंभीरता से देखकर भी वो आपको याद नहीं होता है, आज उन समस्त समस्याओं को अपने इस लेक्चर के तहत मैं दूर करूंगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि आप याद रखिए कि ऋग वैदिक काल का डेट क्या है और उत्तर वैदिक काल का डेट क्या है। 1500 से 1000 ऋग वैदिक काल बीसी तक और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक क्या है। अब एक प्रश्न बार बार आता है कि आर्यों का सबसे पहला उल्लेख कब मिला है। देखिए एक अभिलेख मिला है मध्य एशिया में एक अभिलेख मिला है, बोगा जकाई का अभिलेख। तो ये बोगा जकाई का जो अभिलेख है वो 1400 बीसी का है, ठीक है ना, 1400 बीसी का बोगा जकाई का अभिलेख है जो हित्ती राजा और मितन्नी राजा के बीच ये मध्य एशिया में संधि हुआ था। ये एक शांति संधि था बोगा जकाई का अभिलेख। इसी अभिलेख में सबसे पहले आर्यों का उल्लेख आया था, इंद्र मित्र वरुण और नासत्य जैसे देवताओं को इस संधि में आवाहन किया गया था साक्षी के रूप में। तो हित्ती राजा और मितन्नी राजा के बीच हुआ बोगा जकाई का अभिलेख जो एक शांति संधि है, इसमें आर्यों का सबसे पहला उल्लेख आया और इसकी तारीख 1400 बीसी माना जाता है।
1400 ईसा पूर्व माना जाता है। किसी किसी किताब में 1350 दिया है। मैंने आपको बताया कि आप तारीखों को लेकर डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा, वैदिक ग्रंथों में ही महाभारत के युद्ध का काल भी बताया गया है। तो महाभारत के युद्ध का काल जो है वो 950 बीसी बताया गया है। याद करिए, आप लोग ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध द्वापर में हुआ, लेकिन जब वैदिक ग्रंथों को आप खंगालेंगे तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुवंश के दो शाखा कौरव और पांडवों के बीच हुआ 950 बीसी। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है और आप द्वापर ढूंढने लगेंगे, द्वापर नहीं है। अगर यही तो बात है कि जो वैदिक कालीन इतिहास हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसको मानते हैं कि वो द्वापर में हुआ था, वैदिक काल का 950 बीसी में हो रहा था, ठीक। लेकिन आप इसको याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। अब वैदिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब आइए बौद्ध धर्म, क्योंकि अब धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया। बौद्ध धर्म में बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 बीसी, ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। इसमें विवाद भी चल रहा, नेपाल कहता कि हमारे वहां ये हुआ जो ये जगह है, लेकिन भारत में कि लुम्बिनी नामक इस ग्राम को ही महात्मा बुद्ध का। लेकिन हम आज तथ्यों पे नहीं जा रहे हैं, आज हम तारीख डेट पर जा रहे हैं, तिथि पे जा रहे हैं। तो तिथि क्या थी? 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 483 बीसी जो है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये आप नोट करते चलिए, आप इसको बार बार देखकर भी याद कर सकते हैं लेक्चर को। आप चाहें तो कॉपी पे एक सुंदर नोट बना लीजिए, तारीखों को आप रेड कलर से लिखिए और जो घटना घटी है उस तारीख को उसको ब्लैक कलर से लिखिए। एक सुंदर सा नोट बना लीजिए, बहुत ज्यादा तारीख मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अपने अनुभवों से मैंने जो प्राप्त किया, कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उसी को प्रदान करूं, ताकि आईएएस की परीक्षा, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, किसी मामले में आपके लिए कठिन ना हो। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा अब आपसे बिल्कुल दूर नहीं है, उसको आप हर हाल में सफल होंगे, ठीक है। तो 483 बीसी में कुशीनारा नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। अच्छा, 483 बीसी जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति का समय भी था, याद कर लीजिए इसको। 483 बीसी प्रथम बौद्ध संगीति, 383 बीसी द्वितीय बौद्ध संगीति, 250 बीसी तृतीय बौद्ध संगीति, और प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। इसको आप याद करिए। अगर आपसे कोई ये कहता है कि इतना तारीख नहीं याद करना है, तो मेरा मानना है कि आईएएस जैसी परीक्षा में इस बात को सोचना भी बेकार है कि मुझे कुछ तारीखों को आपको याद ही नहीं करना है। आप बढ़िया नोट बना लीजिए, आप बार बार उसको देखिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप वो सारी चीजें आपके अंतर मन में आत्मसात कर जाएंगी या याद हो जाएंगी। आपके अंतर मन में, आपके अंतस चेतना में, आपके अचेतन मन में वो अपने आप स्थायी भाव के रूप में स्थिर हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। याद कोई तिथि करना ही नहीं है। आज जो मैं ये बता रहा हूं, तिथियों के माध्यम से बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि जिन तिथियों को आप कठिन मानते हैं उनको व्याख्यायित करना, जिन तिथियों पर आपका ध्यान नहीं जाता है उनको व्याख्यायित करना, और जहां आप लापरवाही करते हैं उनको भी आप पर ध्यान दिलाना, और यह बताना कि अगर आप इसका विस्तार से नोट बना लीजिए तो हर हाल में ये तिथियां अपने आप आपको याद हो जाएंगी, असफलता का तो कोई संभावना ही नहीं। ये प्रयोग और अनुभव में लाया गया आज मैं आपको मेथड बता रहा हूं। आज मैं तारीखों में इतिहास अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे यही एक उद्देश्य है कि जो आप कठिन मानते हैं, जो आप कठिन से कठिनतर मानते हैं, जिसके वजह से आप इतिहास से भागते हैं, उन सारी चीजों को आज मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से सरल कर दूंगा। मैं व्याख्या भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल कहां था सुनाकर निकल रहा हूं, बताऊंगा, लेकिन आज मेरा ध्यान तथ्यों पर नहीं रहेगा,
क्योंकि तथ्यों बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, कई घंटे का हो जाएगा। तथ्यों पर लेक्चर किसी और दिन रखा जाएगा। हाँ, लेकिन जो मेन मेन बातें हैं वो मैं जरूर बताऊंगा। आज हम लोग का ध्यान रहेगा तारीखों पर, उस तारीख को जो महत्वपूर्ण घटना घटी आज हमारा ध्यान इस पर रहेगा। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, यानी जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का जन्म है, महापरिनिर्वाण का काल है, उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो वही प्रथम बौद्ध संगीति का रहा। ठीक है, जो राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 बीसी पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण तिथियां मैंने आपको बता दिया किसके लिए, महात्मा बुद्ध गया बौद्ध धार्मिक आंदोलन से। ठीक है, अब आइए देखा जाए जैन धर्म की क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो जैन धर्म में हम महावीर स्वामी से आएंगे, क्योंकि ऋषभ देव जो जैन धर्म के संस्थापक थे उनका कालानुक्रम पता ही नहीं है कब हुआ था। ठीक है ना, तो वो प्राचीनतम माने जाते हैं। देखिए, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें 22 तीर्थंकर जो हैं वो ऐतिहासिक नहीं माने जाते हैं। पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर जो थे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन धर्म के पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। और दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का पुनः संस्थापक माना जाता है। तो महावीर स्वामी का डिस्कशन यहां होगा। 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडा ग्राम में। कहां हुआ था, वैशाली के कुंडा ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और 468 बीसी 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और ये कहां पे हुआ था, पावापुरी में। पावापुरी राजगिरी के निकट है, पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। ये दोनों आप याद जरूर रखिएगा। अब आइए हम लोग धार्मिक आंदोलन जिस समय चल रहा था उसी को काल को भारत में महाजनपद काल भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो महाजनपद काल कब का है, 6वीं शताब्दी बीसी, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो भारत में, याद रखिएगा, महाजनपद काल भी कहलाता है। और इसी को द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहते हैं। प्रथम नगरीकरण का काल किसको माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। द्वितीय नगरीकरण का काल किसको माना जाता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी महाजनपद के काल को। और तृतीय नगरीकरण का काल जो है भारत में तुर्कों के आगमन को यानी सल्तनत काल को माना जाता है। ये याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको जानने में बहुत दिन लग जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तारीख आज के बाद आपके लिए समस्या नहीं रह जाएगी। और अगर आपने अच्छे से उसको याद भी कर लिया, ठीक है, तो अच्छे से लिख लिया और उसको बार बार देखेंगे तो असंभव है कि आपके लिए तारीख कोई समस्या हो जाए। ठीक है, अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भी प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो महाजनपद काल था उसी में 16 महाजनपदों में इंट्रैक्शन प्रारंभ हुआ। और उसमें सबसे आगे कौन निकला, मगध। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में 3 राजवंशों ने वहां शासन किया। कौन, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का काल कब से माना जाता है, 544 बीसी से। शिशुनाग वंश, ये सब लिख लीजिए, शिशुनाग वंश कब से माना जाता है, 412 बीसी से। और उसके बाद आया नंद वंश, ये सब सन एक एक सन याद कर लीजिए। और नंद वंश की स्थापना हुई 344 बीसी में। नंद वंश का महापद्मनंद संस्थापक था, शिशुनाग वंश का शिशुनाग था, और हर्यक वंश का जो था वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का जो कौन था, बिंबिसार था। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के ही काल में
भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का। यूनानी आक्रांत था जिसको भारत में सिकंदर महान कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत घटना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिकंदर भारत पे आया, भारत के मात्र कुछ परसेंट भूमि को जीता, ब्यास नदी के उस पार के इलाकों को जीता। भारत में कोई ऐसा प्राचीनतम साहित्य नहीं था जिसमें सिकंदर के आक्रमण को लिखा गया हो। अगर यूनानी इतिहासकार अपने बड़ाई में सिकंदर के आक्रमण को उल्लेखित न करते तो हम भारतीय सिकंदर के महत्वहीन आक्रमण को भूल चुके। बाद में सिकंदर को ग्रेट बनाया गया, रात्रि में पोरस के झेलम नदी के उस पार रात्रि में ही अपनी सेना उतार कर अचानक आक्रमण करके पोरस से जीतने वाला, भारत में खून की नदियां बहाने वाला सिकंदर महान नहीं कहा जाता है, कहा जा सकता है, और महान कहना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के साहित्य, ठीक है ना। तो 326 बीसी में भारत पर यूनानी आक्रांता, आज सिकंदर को केवल आक्रांता कहिए, सिकंदर महान कहना निश्चित ही अपने उन तमाम भारतीयों के प्रति एक अन्याय होगा जिनकी खून की नदियां सिकंदर ने भारत में बहा दिया। तो सिकंदर का जो आक्रमण था एक कायर की तरह, वो 326 बीसी में हुआ। आपको लग रहा होगा कि मैं कायर क्यों कह रहा हूं, सिकंदर की सेना जब ब्यास नदी के किनारे पहुंची तो उसके आगे सिकंदर की सेना बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। सिकंदर लाख भाषण देता रहा लेकिन सिकंदर की सेनाएं टस से मस नहीं। सेनाओं को मालूम था ब्यास नदी के उस पार दुनिया के सबसे धनी शासक यानी नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। गंगा की धाराओं में जिसने अपना खजाना छिपा रखा था उस धनानंद का शासन था, और ये जानते थे सिकंदर की सेना कि उधर आक्रमण हुआ तो शायद हम लोग बचेंगे भी नहीं, ठीक है। आइए याद रखिएगा इसको जरूर आप लोग, मौर्य साम्राज्य का हम लोग स्थापना करें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारत के महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने 323-22 ईसा पूर्व किया था, ठीक है ना। सिकंदर का एक सेनापति था, उसके मन में टीस था कि हमारे स्वामी भारत को नहीं जीत सके, क्यों ना हम जीत ले, और वह सेनापति था सेलुकस। सेलुकस एक विशाल सेना लेकर भारत की ओर कूच किया। सेलुकस को यह नहीं मालूम था कि इस समय का भारत सिकंदर का भारत नहीं है, इस समय भारत पर एक छत्र शासन है, और किसका शासन है? चंद्रगुप्त मौर्य, भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट। तो 305 बीसी पर भारत पर आक्रमण किसका हुआ? सेलुकस का, और सेलुकस को बुरी तरीके से परास्त किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पराजय इतना भयानक था कि सेलुकस को पूरा अफगानिस्तान, अर्कोसिया, एरिया, जेड्रोसिया, पोरपनिसाई यानी पूरा अफगानिस्तान देना पड़ा। यहां तक कि अपने पुत्री का विवाह, किदवंती है कि अपने पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। 298 बीसी मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? बिंदुसार। और 273 बीसी बिंदुसार की मृत्यु हुई। 298 में वो गद्दी पर बैठा, 273 बीसी पे बिंदुसार की मृत्यु हुई, और उसके बाद जो शासक बना वो कौन था? सम्राट अशोक। लेकिन आश्चर्य की ये बात है कि 273 बीसी में मृत्यु हुआ था किसका? बिंदुसार का। और उसके 4 साल बाद गद्दी पर कौन बैठा? अशोक। इस 4 साल में क्या हुआ? इस 4 साल में मौर्य साम्राज्य की गद्दी के लिए उसके भाइयों के बीच बिंदुसार के पुत्रों के बीच गृहयुद्ध हुआ। यही कारण है 269 में कौन गद्दी पर बैठा? सम्राट अशोक। और अपने शासन काल के 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ, और यह वही कलिंग युद्ध है 261 यानी अपने शासन काल के 8वें वर्ष 261 बीसी
क्या हुआ, कलिंग युद्ध हुआ, और इस कलिंग युद्ध के बाद ही वो क्या बन गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कौन? सम्राट अशोक। इन डेट्स को आप लिखते चलिए, आप लगा आप क्रम से लेक्चर को सुन के आप बढ़िया नोट्स बना लीजिए। समझाने का काम मैं कर दे रहा हूं, आप नोट्स बना के बार बार उस नोट को देखिए। सिविल सेवा की परीक्षा में एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, बीस बार नहीं पढ़ा जाता है, सौ बार, हजार बार नहीं पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। सिविल सेवा की परीक्षा एक बार, दो बार, चार बार से नहीं निकलती है, बल्कि तथ्यों को बार बार से पढ़ने से निकलती है। जब आप तथ्यों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, बार बार अपनी अंतः चेतना में सम्मिलित करेंगे, तो उसका स्थायी भाव बन जाएगा और वो सारे तथ्य आपको अपने याद आ जाए, अपने आप याद हो जाएंगे, चाहे वो तारीख ही क्यों ना, और आपके मन से याददाश्त का डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला देखिए। 184 BC अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र सुंग ने, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन क्या हुआ 184 BC, और 184 BC पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। तो याद रखिए, जो मौर्य साम्राज्य के अंत का दिवस है, तारीख है 184 BC, वही सुंग वंश के स्थापना का समय भी माना जाता है। सुंग वंश के सुंग वंश के बाद कंडव वंश, और कड़व वंश के बाद जो है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो 60 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। देखिए हम लोग के पास जो है, देखिए भारतीयों में एक कमी थी, क्या कमी थी, तिथि क्रम के माध्यम से इतिहास लेखन, तिथि क्रम के माध्यम से इतिहास लेखन, डेट वाइज इतिहास लेखन जो है। जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ तो डेट वाइज इतिहास लिखना उन लोगों ने प्रारंभ किया था, हम लोगों ने उनसे ग्रहण किया था। कल्हड़ की राजतरंगिणी भारत में तिथि क्रम से लिखा गया पहला ग्रंथ था, इसीलिए कल्हड़ की राजतरंगिणी को भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। तिथि वाइज लिखा गया, ठीक है ना, तिथि वाइज लिखा गया। उसके बाद मध्यकाल में जब मुस्लिम इतिहासकार आए तो उन्होंने इसका प्रारंभन कर दिया। इसीलिए हम लोगों को तिथि मिलना थोड़ी कठिन है, ठीक है। इसलिए कई किताबों में आप देखेंगे सब में अलग अलग भी रहेगा। मेरी कोशिश यह है कि आपको बिल्कुल सटीकता के निकट लाकर खड़ा करूं, इसलिए जो भी तारीख मैं बता रहा हूं वो बहुत ही टेस्टेड है, कई बार एग्जामिनेशन में भी आए हैं, तो निश्चित ही अपने अनुभवों के माध्यम से मैं उसको ला रहा हूं। किताबी बात या रटी रटाई बात नहीं है, जो अनुभव का माध्यम है, जो विश्लेषण का माध्यम है, वही ज्ञान आपके समक्ष यहां उपस्थित कर रहा हूं। इसके पीछे उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जिस सिविल सेवा रूपी यज्ञ को आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आहुति मेरे तरफ से ही पड़े, ठीक है। तो 60 BC के करीब जो है सातवाहन वंश की स्थापना हुई, और उसका संस्थापक कौन था, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो शासन माना जाता है वो 106 BC माना जाता है, और ये 23वां शासक था। सातवाहन वंश का कैवां शासक था, 23वां शासक था, ठीक है ना। उसी समय भारत में एक और शासक हुआ जिसका नाम था कलिंग राज खारवेल। तो कलिंग राज खारवेल जो है उसका कार्यकाल माना जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। और कलिंग राज खारवेल का जो उल्लेख करने वाला उसका अपना अभिलेख है, हाथी गुंफा अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो कलिंग राज खारवेल को एक चक्रवर्ती और शक्तिशाली शासक के रूप में बताता है। तो उसका डेट क्या रहा होगा, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो है वो कलिंग। देखिए लमसम आप जरूर जानिए, मतलब निकटतम आप जरूर जानिए, आपको बिल्कुल अनजान बनकर एग्जाम में नहीं बैठना है। जितने तारीख मैं आपको बता रहा हूं ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है,
लेकिन आपको इनको जानकर बैठना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको नहीं याद किया हूं, बैठने जा रहा एग्जाम में, ठीक है? ये नहीं है कि इससे आप टॉप, आपको ये मानकर चलना है कि ये अनिवार्य ज्ञान है जिनको हमें याद करना ही करना है। अरे दो चार बार देख के जाइए, अगर एग्जामिनेशन में आ जाता तो क्लिक कर जाएगा, वो आपको लग जाएगा उत्तर, अपने आप लगेगा। लेकिन तरीका मैंने जो बताया उस तरह से नोट बनाइए, डेट को आप रेड कलर से लिखिए इंक वाले पेन से, और जो घटनाएं घट रही जो मैंने बता रहा कि ये हुआ वो आप ब्लैक कलर से लिखिए। एक सादे पेज पे आप पूरा नोट बनाते जाइए, चार पांच पन्ने का नोट हो जाएगा, इतिहास में तारीख की समस्या हर हाल में समाप्त हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद भारत पर इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ, हिंद यवन, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व है, क्योंकि भारत पर हिंद यवनों का आक्रमण, इंडो ग्रीक, हिंद यवनों का पहला आक्रमण जो है वो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शासक था। अगर मान लीजिए आपको कोई तारीख न याद हो पाए तो उस तारीख से संबंध घटना को याद करिए। अगर आपको यह नहीं मालूम चल रहा है कि भारत पर हिंद यवन शासकों का आक्रमण कब हुआ था, तो हिंद यवन शासकों का पहला आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, 184 ईसा पूर्व उसने स्थापित किया था शुंग वंश, तो यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व हो गया। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भारत पर इंडो ग्रीक शासकों का आक्रमण हुआ था, हिंद यवनों का आक्रमण हुआ था। इस बार शकों का आक्रमण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो शकों का आक्रमण हुआ था, फिर पहलवों का आक्रमण भी उसी समय हुआ था, पहलवों का आक्रमण भी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, और कुषाणों का आक्रमण हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी जो है वो किसका आक्रमण हुआ था, कुषाणों का। तो इंडो ग्रीक द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, शकों का आक्रमण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, पहलवों का भी उसी समय हुआ था, और कुषाणों का भारत पर आक्रमण हुआ था यानी भारत में आगमन हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी, ठीक है ना? आपको यह भी जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि कनिष्क का जो राज्यारोहण काल माना जाता है 78 AD माना जाता है, कनिष्क क्या था, कुषाण था, तो कनिष्क ने कनिष्क संवत चलाया था 78 AD। कनिष्क का जो राज्यारोहण है वो 78 AD है, और वो सबसे चक्रवर्ती, सबसे शक्तिशाली सम्राट था कुषाणों का, पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी अंतर्राष्ट्रीय, तो 78 AD में चलाया था उसने। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा 78 AD को कुषाण संवत नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक संवत बोलते हैं। अब बताइए चलाया कुषाणों ने, अब बोलते क्या है, शक संवत, क्योंकि इस 78 AD का सबसे ज्यादा प्रयोग शकों ने किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शक संवत पड़ गया। तो याद कर लीजिए, आपको उसमें याद करने के लिए टेंस मैंने बार बार आपको बताया, तिथियों को याद करना रट कर, रटने से नहीं याद होगा, आप लिख लीजिए, मैं बार बार आपको गाइड कर रहा हूं। गाइड करने के पीछे मेरा मात्र उद्देश्य यह है कि आपको पढ़ाई का सही तरीका मालूम, जो वर्षों के नुकसान के बाद, वर्षों के समस्या के बाद, आप अनुभवों के बाद आपको याद आता है आएगा, वो मैं आपको आज बता रहा हूं। उसके पीछे यही उद्देश्य है कि आप उसको, कमियों को दूर करके आज ही उस पर निर्णायक विजय प्राप्त कर लें, ठीक है? और इसी विजय को दिलाने के उद्देश्य से आज मैं इस लेक्चर को लेके आया हूं। इसके बाद आ जाइए गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में, 275 AD में किसने किया था, 275 AD में श्री गुप्त ने किया था। अब आपसे यह पूछ दिया जाएगा कि गुप्त काल की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी, तो तृतीय शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में, तीसरे शताब्दी के अंतिम चरण में श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। 319 बीस में गुप्त संवत का प्रचलन हुआ था, और गुप्त संवत का प्रचलन किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त साम्राज्य का पहला महान शासक माना जाता है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी,
इसका मतलब है गुप्त साम्राज्य का पहला स्वतंत्र शासक ही था। और उसी के उपलक्ष्य में उसने 319 BC में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का कार्यकाल आपको 350 AD माना जाएगा, 350 AD। और ये वही समुद्रगुप्त है जिसका प्रयाग प्रशस्ति, जो उसके प्रशंसा का पत्र है, जिसकी रचना हरिसेन ने किया था, प्रयाग प्रशस्ति उसका एक प्रकार से प्रशस्ति संग्रह है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो शासन हुआ, शासक हुआ, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शको का अंत किया था। और ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिनके शासन काल में 399 से 414 कौन आया था, फाहियान, चीनी यात्री फाहियान 15 वर्ष रहा। किस सन में आया, 399 AD से 414 AD तक भारत में रहा। किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, ठीक है। तो आप घटनाओं से सन को पकड़िए, अगर मान लीजिए आपको सन नहीं याद हो रहा तो घटना पकड़ लीजिए। फाहियान किसके काल में आया था, किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल कब था, तो उस काल में वो आया होगा। आपको घटनाओं से भी तिथि याद होना चाहिए, आप तिथियों को घटना से जोड़ दीजिए, देखिए ना कितनी आसानी से आपको तिथियां याद हो जाएंगी। तिथियों को याद करने के लिए कभी परेशाने मत होइए, कोई कह रहा हो कहने दीजिए, आपको टेंशन जरा नहीं लेना है। आपके प्रारंभिक परीक्षा को इजी बनाने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, अभी बहुत सारे लेक्चर में लाऊंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं आपके कई लेक्चर लाऊं, ताकि आपके समस्या को सरल से सरलतम करके एग्जामिनेशन को बिल्कुल सरल बना दिया जाए, ठीक है। तो गुप्त संवत, इसके बाद अगला जो शासक बने वो कुमारगुप्त बने। कुमारगुप्त का जो काल था वो 415 से 455 था, 455 AD था, 455 AD था। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, अगर आपसे ये पूछे कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, तो भैया 415 यानी 5वीं शताब्दी के प्रारंभ से इनकी शासन था। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम ही थे, तो 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कहीं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। डेट तो क्लियर नहीं मालूम है, अभी बहुत लोग वो भी नहीं समझ पाते कि वही किया था, लेकिन कहीं उसी समय में 5वीं शताब्दी के ही प्रारंभ में कहीं उसका स्थापना हुआ होगा, क्योंकि 415 से 455 तक कुमारगुप्त प्रथम का शासन रहा, इसी बीच में कहीं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई होगी। तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय आप नहीं जान रहे कितनी तारीख को है, तो आप याद कर लीजिए कि कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम का क्या, मैं इस डेट को इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको घटनाओं से। अब गुप्त साम्राज्य का अंत कब हुआ, इसका कोई निश्चित नहीं है। गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम ज्ञात शासक, अंतिम शासक नहीं, अंतिम ज्ञात शासक कौन थे, विष्णुगुप्त थे। उसके बाद किसी शासक का नाम नहीं मिला, मान लीजिए रहे हो तो उनका कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं। 5वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था, यानी 5वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था, 5वीं शताब्दी ईस्वी का अंतिम चरण, कहीं गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ होगा। गुप्त साम्राज्य का पतन मौर्य साम्राज्य की तरह नहीं हुआ कि बृहद्रथ की हत्या करके कोई अगला आ गया, धीरे धीरे होता चला गया, शासक जो है इतिहास के गर्भ में समाते चले गए और उनका नाम मिलना बंद हो गया। 5वीं शताब्दी में कहीं ये हुआ होगा, ठीक है ना। अब आइए देखा जाए वर्धन वंश। 6वीं शताब्दी ईस्वी के करीब वर्धन वंश की स्थापना हुई होगी, 6वीं शताब्दी ईस्वी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये मन में एक पिक्चर बना रहे, ठीक है ना, कि हर्षवर्धन काल कब आया होगा। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में वर्धन वंश की स्थापना हुई होगी, तो उसी के अगल बगल कहीं रहा होगा। आपको मैं अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाने का तरीका बता रहा हूं, कैसे इतिहास तारीखों को आप याद करेंगे। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में
पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी, लेकिन वर्धन वंश के सबसे ताकतवर शासक थे हर्षवर्धन, जिसके लिए यह वर्धन वंश जाना भी जाता है। 606 से 647 ईस्वी तक किसका शासन था? हर्षवर्धन का, ठीक है ना। और हर्षवर्धन भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट भी माने जाते हैं, और इन्होंने उत्तर भारत को, समस्त उत्तर भारत को एक छत्र शासन में पिरोया था, इसीलिए भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट या उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी इनको कहा जाता है। इसके बाद पाल वंश, 750 एडी में गोपाल नामक व्यक्ति ने पाल वंश की स्थापना की, ठीक है ना। इसके बाद प्रतिहार वंश, 730 एडी में प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। कुछ आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि कई बार तिथियों क्रम से सेटिंग सेट करने को भी आ जाता है, बैठाने को आ जाता है, तो आप जब ये सब समझे रहेंगे तब तो आप क्रम से बैठा पाएंगे। 730 एडी में प्रतिहार वंश की स्थापना हुई, नागभट्ट प्रथम ने स्थापित किया था, ठीक है। फिर पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था 750 एडी में, यानी 8वीं शताब्दी में। ये सारी चीजें आपके कंठस्थ होना चाहिए, आप बार बार पढ़िए, आप देखेंगे। अच्छा, अब दक्षिण भारत में अगर हम लोग आ जाएं, तो दक्षिण भारत का जो इतिहास पहली बार मिलना प्रारंभ होता है, वो लिखित इतिहास, वो संगम काल से प्रारंभ होता है। अब संगम काल का तिथि क्या था, ये आज तक क्लियर नहीं है। संगम काल का जब आप देखेंगे घटना, तो कई कई हजार वर्ष तक उन्होंने दिया है, महाभारत काल तक लेके चले गए, लेकिन वो अतिशयोक्ति व्याख्या है। संगम काल का आज तक निश्चित तिथि नहीं पता चल पाया है, लेकिन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक लगभग माना जाता है। किताबों में बिल्कुल अलग अलग दे रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं टोटल वही हर जगह दे रखा है। एक सटीक उत्तर माना जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक है, लेकिन किताबों में ये अलग अलग दे रखा है। इतिहास में आपको तिथि क्रम परेशान करेगा हर जगह, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं ताकि आपके लिए समस्या नहीं रह जाए। फिर उसके बाद पल्लव वंश आया, पल्लव वंश की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में कहीं भी हुआ था, पल्लव वंश, ठीक है ना, जो दक्षिण भारत का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। पल्लव वंश के बाद चालुक्य वंश आया, चालुक्य वंश की स्थापना कहीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। सुनते चलिए आप, दक्षिण भारत के राजवंशों का स्थापना काल बता रहा हूं, पल्लव वंश 3री शताब्दी ईस्वी, चालुक्य वंश 6ठी शताब्दी ईस्वी, राष्ट्रकूट वंश 8वीं शताब्दी यानी 735 के करीब दंती दुर्ग ने स्थापित किया था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना 735 ईस्वी में दंती दुर्ग ने यानी 8वीं शताब्दी के में किया था, और चोल राजवंश की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय ने किया था, यानी 9वीं शताब्दी में, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, पल्लव, चालुक्य, चोल, ठीक है ना, पल्लव, चालुक्य, चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल, इन चार राजवंशों का आपको मैंने कालक्रम बता दिया, आपको हर हाल में यह याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पल्लव वंश 3री शताब्दी ईस्वी, चालुक्य वंश 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी, राष्ट्रकूट वंश 8वीं शताब्दी ईस्वी, और चोल वंश 9वीं शताब्दी ईस्वी के करीब जो है स्थापना हुआ था। ये आपके मन में एक लमसम ये याद जरूर रहना चाहिए। अब आइए हम लोग देखेंगे मध्यकाल, मेडिवल हिस्ट्री। अब यहां से तिथि क्रम थोड़ी सा स्पष्ट होना प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले 711-12 में मध्यकाल में अगर हम देखने चलें, तो यहीं से शुरू हो रहा है मध्यकाल। 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ, सिंध पर आक्रमण हुआ, और उसने सिंध को जीत लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम 711-12, और 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने, ठीक है, महमूद गजनवी ने 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक 17 बार आक्रमण किया था। सबसे नामी आक्रमण उसका क्या था, 1025 एडी यानी 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण।
महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पर हुआ 1027 एडी, जब वह जाटों को दंडित करने के लिए भारत आया था, क्योंकि ये वही जाट हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर लूट कर जाते समय उसको तंग किया था और उसका बहुत सोना चांदी लूट भी लिया था। यही कारण है 1027 में जाटों को दंडित करने के लिए वो भारत आया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण प्रारंभ हुआ और 1175 में मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला, महमूद गजनवी के बाद कौन आया? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का सबसे पहला आक्रमण हुआ 1175 में मुल्तान और उच्छ पर। तो यह डेटा आपको याद होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ था, 1175 में मुल्तान और उच्छ पर। इसके बाद उसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण कर दिया, 1178 पर। और गुजरात के शासक थे उस समय मूल राज द्वितीय। अपनी माता नायिका देवी के सहयोग से मूल राज द्वितीय ने गोरी को परास्त कर दिया। गोरी का भारत में यह पहला पराजय था और किसने पराजित किया था? मूल राज द्वितीय ने अपनी माता नायिका देवी के सहयोग से। लोग तो यही जानते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध गोरी का पहला पराजय था, बिल्कुल गलत है। गोरी का पहला पराजय 1178 में मूल राज द्वितीय ने, जो तोमर वंश के, जो सोलंकी वंश के शासक थे, कहां के? गुजरात के चौलुक वंश या सोलंकी वंश के शासक थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को पराजित किए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनका क्रम याद रखिए। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हुए और भारत पे इस्लामिक सत्ता का नींव पड़ा था। इस्लाम का आगमन है तो इस्लाम का आगमन बहुत पहले हो गया था, लेकिन इस्लामिक सत्ता की स्थापना पहली बार जो है वो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हुआ था। इसके बाद तो गोरी भारत के लोगों के लिए लगातार काल बन गया। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें भारत के द्रोही जयचंद को मोहम्मद गोरी ने परास्त किया और मार डाला। मोहम्मद गोरी का एक सिपहसालार था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने 1197 में बिहार विजय किया था, 1197 में बिहार, और 1204-5 में उसने बंगाल विजय किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था अपने बिहार विजय के दौरान। तो 1197 में बिहार विजय किया था बख्तियार खिलजी ने, 1204-5 में क्या किया था? बंगाल विजय किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में इसको याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसके बाद गोरी खोखरों का दमन करने के लिए भारत आया था 1205 में, लेकिन जब दमन करके लौट रहा था तो 1206 में सिंध के दमयक नामक स्थान पर गोरी की हत्या कर दी गई। सिंध के दमयक नामक स्थान पर, तो याद रखिएगा क्योंकि यही काल है भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ का, 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो गई। तो गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत में 5 वंशावलियों ने शासन किया। तो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो काल था वो क्या था? 1206 से लेकर 1290, 1206 से लेकर 1290 तक जो है वो गुलाम वंश का काल रहा, जिसमें ऐबक ने शासन किया 1206 से 1210 तक, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश ने शासन किया 1211 से 1236 तक किया, इल्तुतमिश ने शासन किया। और उसके बाद रजिया ने 1236 से 1240 तक 3 वर्ष 6 महीना 6 दिन, याद रखिएगा 3 वर्ष 6 महीना 6 दिन रजिया सुल्तान ने शासन किया, जो भारत की पहली मध्यकालीन मुस्लिम महिला शासिका थी। इसके बाद बलबन ने 1266 से 1286 तक शासन किया। बहुत ज्यादा डेट नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत डेट है, इतना डेट पढ़ने क्या जरूरत है,
बिल्कुल जरूरत है, जहां एक एक क्वेश्चन में सैकड़ों बच्चे आपके निकल जा रहे हैं, सिलेक्शन में संघर्ष कर रहे हैं एक एक नंबर पर, वहां ये सोचना कि हम इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियों को भी याद ना करें, निश्चित ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अगर आपसे कोई ये बता रहा हो कि सब छोड़ के कुछ पढ़ लीजिए और यहां से आ जाएगा, ये बहुत घातक सलाह है। और अपने लेक्चर में मैंने आपको कभी भी शॉर्टकट मार्ग अपनाने का कभी सलाह नहीं दिया, ना कभी देंगे, ठीक है ना। जितने तारीख मैं बता रहा हूं, आईएएस के विद्यार्थी को ये जानना चाहिए हर हाल में, इससे ज्यादा जाने कोई कमी नहीं, परेशान नहीं है, इससे कम आपको नहीं जानना है। इसीलिए मैंने आपके पसोपेश को ही समाप्त कर दिया। इस लेक्चर को देने के पीछे यही उद्देश्य है कि जो आप सोचते हैं क्या पढ़े क्या छोड़े, तो यहां छोड़ने और पढ़ने की बात ही नहीं है, यहां मैंने एक समग्र संपूर्ण रणनीति आपको बता दिया क्रम वाइज, जो आपके समस्या को लगभग लगभग समाप्त कर देगा। इतिहास में जो तारीख का अध्ययन है, ऐसे मैं लेक्चर लाऊंगा संविधान में अनुच्छेदों का, ऐसे मैं व्यवहारिक विज्ञान में विज्ञान का लेक्चर लाऊंगा, और ऐसे ही मैं आपको अर्थव्यवस्था में लेक्चर लाऊंगा, जो अर्थव्यवस्था की समस्या आपकी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में, उसको दूर करने के लिए मैं एक बड़ा लेक्चर लाऊंगा और लाइन बाय लाइन मैं उसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अपने इस तैयारी मैं अभी कई लेक्चर लाऊंगा, और सब लेक्चर में आप सब लेक्चर परीक्षा केंद्रित ही होगा, और हर लेक्चर आपके परीक्षा को सरल से सरलतम बनाता जाएगा और उस लक्ष्य की ओर आपको अग्रसर करेगा जिसको आप सपने में देखते हैं। उस लक्ष्य की ओर मैं आपके प्रत्येक लेक्चर मेरा ले जाएगा, यह लक्ष्योन्मुखी लेक्चर होगा, ठीक है ना। इस लेक्चर जितने भी लेक्चर मैं दूंगा और लगातार दूंगा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब ये हो गया बलबन का, आपने देख लिया। अब आपको बलबन का डेट नहीं मालूम होगा, इल्तुतमिश का डेट नहीं मालूम होगा, रजिया का नहीं मालूम होगा, तो क्या मालूम होगा फिर बद्दे का इतिहास में क्या समस्या है। आप सीधे नोट्स बना लीजिए जैसा मैं बनवा रहा हूं, सीधे आप उसको याद हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं करना है। इसके बाद जो अगला राजवंश था वो खिलजी राजवंश था, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, और 1290 से कम आपको ये तो याद है करना है कि कब से कब तक था। तो 1290 से 1320 तक था। इसमें आप डेट याद कर लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के शासन का जो काल था 1296 से 1316 तक, यानी 20 वर्ष तक इसने शासन किया, और दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसकी सेनाएं दक्षिण भारत में आक्रमण कर सके, यानी दक्षिण भारत का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, और दक्षिण भारत का अभियान उसका प्रारंभ हुआ था 1308 में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभ हुआ था 1308 में, और दक्षिण अभियान का जो श्रेय जाता है वो मलिक काफूर को जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो राजवंश आया वो तुगलक वंश है। इससे आपको पढ़ने का तरीका भी पता चल रहा होगा कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है। ऐसा विद्यार्थी जिसको याद नहीं हो रहा है, ऐसा विद्यार्थी जो समझ नहीं पा रहा कि हम पढ़े कि ना, कैसे पढ़े कैसे याद करें, ऐसा विद्यार्थी जो लापरवाही कर दिया कुछ छूट जा रहा है, ऐसा विद्यार्थी जो समझ नहीं पा रहा कि हमसे यह छूट रहा है या पढ़े, ऐसे समस्त विद्यार्थियों के लिए यह लेक्चर निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। जो हर एग्जामिनेशन में हर परीक्षा में आपका बार बार ऐतिहासिक तिथियों के अध्ययन में बार बार मार्गदर्शन करेगा, ठीक है। तो तुगलक वंश की जो स्थापना हुई 1320 से 1413, 1320 से 1413 तक तुगलक वंश की स्थापना हुई, और इसमें
जो महत्वपूर्ण शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में राजधानी परिवर्तन कर दिया था दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। तो 1327 में इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया था, याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से कर दिया था? दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी, देवगिरी किया था, देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया, तो दिल्ली से दौलताबाद। 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का जो धर्मांध शासक माना जाता पहला, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, ठीक है ना, ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने 1359 में प्रसिद्ध जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो जौनपुर की स्थापना 1359 में इसी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। लेकिन जैसे ही तुगलक वंश का अंत हो रहा था, उसी समय 1398 में भारत पर समरकंद के शासक तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में, किसके काल में हुआ था? नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन मोहम्मद नहीं, लड़के उसको याद नहीं कर पाते हैं, नसीरुद्दीन महमूद के काल में 1398 में समरकंद के शासक, मध्य एशिया के समरकंद के शासक तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। तैमूर लंगड़ा है ना, लंग माने लंगड़ा था वो, ठीक है ना, हैंडीकैप था। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण है वो 1398 में हुआ था। इसके बाद सैयद वंश स्थापना हुआ, खिरिज खान ने सैयद वंश की स्थापना किया था 1414 से 1451, और सैयद वंश का कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ, खिरिज खान बस इसका साथ संस्थापक था, एक मुबारक शाह हुआ, मतलब आप कह सकते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का एक महत्वहीन वंश था। इसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 जो भारत में मुगल वंश की स्थापना या मुगल साम्राज्य की स्थापना का काल माना जाता है। तो इसका पहला महत्वपूर्ण शासक, हालांकि बहलोल लोदी था, संस्थापक था, लेकिन पहला महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी था। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आगरा की स्थापना की थी। और 1526 में लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने परास्त कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये मध्यकाल के महत्वपूर्ण हमने आपको डेट बताया, लेकिन थोड़ी सा और समझ लीजिए इसमें। दिल्ली सल्तनत में के समय दो स्थानीय राजवंशों का स्थापना हुआ। पहला 1336 में विजयनगर साम्राज्य 1336 में हुआ, और 1347 में बहमनी साम्राज्य, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरिहर और बुक्का ने किया था। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता है, इसी अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रसिद्ध बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। और ये दोनों स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का काल दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विद्रोहों का काल माना जाता है, ठीक है ना। और दो बड़े दक्षिण भारत के दो बड़े राजवंशों की स्थापना भी हुई। आइए अब मुगल साम्राज्य देख लिया जाए कि मुगल साम्राज्य के कौन से महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मैं आपको उसके साथ तथ्य भी बता रहा हूं, हालांकि मेरा आज का उद्देश्य केवल आपको फोकस करना है डेट्स पर। तथ्य बताने लगूंगा तो कई घंटा का लेक्चर हो जाएगा। तथ्य पे भी मेरा लेक्चर है, फिर वो एक बढ़िया लेक्चर आईएएस के लिए भी मैं लाने वाला हूं, ठीक है। आईएएस के लिए एक विधिवत विश्लेषण परक इतिहास का मैं पूरा लेक्चर तथ्य वाइज लाऊंगा, और हर विषय के कोशिश करूंगा कि लाऊं, ठीक है। बहुत बड़े लेक्चर भी हो जा रहे हैं क्योंकि मैं इसमें विस्तार से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा सिविल सेवा की तैयारी में विस्तार ही परम सत्य है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई बता रहा है तो बहुत गलत बता रहा है, इसीलिए मैं आपको विस्तार से बता, मैं भी चाहूं तो आकर्षक लेक्चर बना के 5-10 मिनट व्यू ले सकता हूं, सब्सक्राइबर ले सकता हूं, मेरा उद्देश्य यह है नहीं।
मेरा उद्देश्य है कि आपको कुछ कुछ लाभ मिले, आपके एग्जामिनेशन को कुछ सरल हो। सब्सक्राइबर लेना, व्यूज लेना, ये हो ही नहीं सकता है लक्ष्य। लक्ष्य हमारा यही है कि आपको हर हाल में लाभ हो। इसीलिए लंबे लेक्चर ला रहा हूं और हम तेजी से बोल रहे ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, माइक भी रख सकता था। इसलिए आप लोगों को लाभ होगा, एक तो वो मेरा असली फायदा होगा, असली इनकम आप कह सकते हैं कि आप तक मेरी बात पहुंची। और विक्रमादित्य आईएएस के मंच से हमारा यही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में लाभ हो। और अपने सालों के अनुभव से जो मैंने आईएएस की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा में प्राप्त किया है, वो आप तक हर हाल में सरल भाषा में पहुंचाऊं। क्योंकि आप एग्जाम में बैठ भर जाए तो एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। डर मत बनाइए, हवा नहीं आईएएस का परीक्षा। कोई भी कठिनाई तब तक हुआ है, कठिन है, जब तक आप सरल बने हैं। समस्याओं पर पार पाने का सबसे बड़ा तरीका है कि समस्याओं से ऊपर हो जाइए, उठ जाइए, समस्याएं अपने आप बौनी हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य में देख लिया जाए। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। और पानीपत के प्रथम युद्ध से ही इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने नींव डाला भारत में मुगल साम्राज्य का। 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। ये चारों युद्ध जो है बाबर का एग्जाम में क्रम के लिए आता है। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 का खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, 1528 का चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच, और घाघरा का युद्ध जो हुआ 1529 में हुआ, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। कोई विद्यार्थी अगर ये कह रहा है कि इसके बिना काम चल जाएगा, वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता। और मेरी ये बातें आपको एग्जामिनेशन हाल में जब कठिनाई, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जब कठिनाई का सामना करेंगे तब मेरी बातें आपके कान में गूंजेंगी। इसलिए ये अनिवार्य है। और अगर याद नहीं हो रहा तो कोई समस्या नहीं, आप इसको 10 पढ़ के जाइए कई बार। मैंने तो आपको यहां याद करने के लिए कहा ही नहीं है, मैं तो आपको बार बार पढ़ने के लिए कह रहा हूं। खूब सुंदर सा नोट बनाकर बार बार देखिए उसको, बस आप देखिए, याद करिए ही मत, सामने लगा लीजिए, बार बार देखिए। सुबह उठ के 10 मिनट 5 मिनट देख लीजिए। अगर एक महीना के अंदर तैयार ना हो जाए तो फिर कहिएगा। यह अनुभव का विषय, किताबी ज्ञान में आपको नहीं बता रहा, यह अनुभव का विषय बता रहा, ठीक है। तो बाबर हो गया, हुमायूं 1530 से 1556, हालांकि बीच में 15 वर्ष वो ईरान था, 1530 से 1556 इसकी महत्वपूर्ण घटना है। चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज या बिलग्रामा का युद्ध 1540 चौसा का युद्ध हुआ जिसमें शेर शाह सूरी ने इसको परास्त किया। 1540 का कन्नौज या बिलग्रामा का युद्ध जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से परास्त किया और हुमायूं को भारत को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन 1555 में शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद 1555 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था सरहिंदी का युद्ध। और इस सरहिंद के युद्ध में भारत के शासक सिकंदर सूर को हराकर एक बार पुनः 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं के पुनः राज्याभिषेक का या गद्दी नशीनी का आपको डेट याद रखना पड़ेगा, 23 जुलाई 1555। 23 जुलाई 1555 यानी 1555 हिंदुस्तान पुनर्विजय का दिन था हुमायूं का। और 23 जुलाई 1555 को वह गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ ही महीने के बाद दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई। इतिहास का लेनपुर इसीलिए कहता था हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़ककर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद उसका योग्य पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम था अकबर। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और पिता की मृत्यु के बाद 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था।
पंजाब के कालनौ नामक स्थान पर ईटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका क्या किया था, राज्याभिषेक करवाया था। तुरंत जो है संघर्ष शुरू हो जाता था, बच्चों में गृह युद्ध शुरू हो जाता था, इसीलिए बैरम खान ने ईटों का सिंहासन बनाकर किया था। लेकिन 1556 भयानक साबित हुआ। इसी समय आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू हेमचंद विक्रमादित्य ने मुगल साम्राज्य को आगरा दिल्ली को जीत कर अधिकार कर लिया। और 1556 में अगर अकबर को चाहिए था अपना पूरा साम्राज्य तो उसको हेमू से युद्ध करना था, और ये युद्ध था पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हेमचंद्र विक्रमादित्य उप हेमू, आदिल शाह का सेनापति, और दूसरी ओर अकबर नेतृत्व का बैरम खां। ठीक है ना, कहानी ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। इस कहानी को हम तथ्य को बाद में बताऊंगा, आज नहीं। अकबर भारत में निश्चित ही ये माना जाता है कि वो कल्याणकारी शासन उसने किया था। क्या क्या किया था उनको आपको डेट जरूर जानना है। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, 1562 में उसने दास प्रथा कांड कर दिया, 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर कांड कर दिया, 1564 में अकबर ने जजिया कर कांड कर दिया, 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की जिसमें धार्मिक चर्चा होना था, 1579 में उसने मजहर की घोषणा की और धार्मिक रूप से भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गया, 1582 में उसने दीने इलाही यानी भगवान का धर्म स्थापित किया। ये डेट आपको कंठस्थ होना चाहिए। कौन कौन? 1556, 1562, 1563, 1564, 1575, 1579, 1582। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। 1500, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप बहुत तेजी आसानी से याद कर लीजिए, कोई घोषणा नहीं। क्या? 1556 पानीपत का युद्ध, 1562 में उसने जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे उनको दास बनाने से उसने बंद कर दिया, 1563 में तीर्थयात्रा हित कर हिंदुओं पे लगता था, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, 1575 में धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना की स्थापना की, 1569 में 79 में उसने मजहर नामक घोषणा पत्र शेख मुबारक के उससे शुरू किया। ये घोषणा पत्र भारत में उसको धार्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बना दिया, यानी धर्म के बारे में कोई निर्णय होगा तो मुल्ला काजी या कोई नहीं लेंगे बल्कि अकबर लेगा, धार्मिक मामलों में श्रेष्ठ बन गया मजहर। और 1582 में दीने इलाही, फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद से जिसको साने फतेहपुर भी कहा जाता है वहीं से उसने दीने इलाही माने भगवान या अल्लाह का धर्म, भगवान का धर्म उसने प्रारंभ किया जो धार्मिक एकेश्वरवाद था। ठीक है, आप देखते होंगे कि डेट बहुत आसानी से याद होगा अगर आप इसको सिस्टमेटिक याद करें जैसा मैं बता रहा हूं। आज ये बताने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई को सरल बनाना, उस तरीके से सरल बनाना, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो आप ध्यान नहीं देते दे पाते हैं। बहुत लड़के दे रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ध्यान नहीं दे, बहुत लड़के नहीं दे पाते हैं या बहुत लोगों को लगता ही नहीं कि हमको अब ऐसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, एक एक नंबर आपके भाग्य का निर्धारण कर रहा है। एक एक नंबर से लोग जीवन भर के कठिनाइयों में फंस जा रहे हैं। अगर नहीं सफल हुए तो कितना संघर्ष करना है आपको, वो संघर्ष ना करना पड़े। इसीलिए इस यज्ञ में आहुति, आप जो सिविल सेवा रूपी यज्ञ आप कर रहे हो, आहुति मैं दे रहा हूं और ये अंत तक दूंगा। सिविल सेवा की परीक्षा को जब तक पूर्ण ईजी नहीं बनाऊंगा, ये हर हाल में हर समय हर साल ये लेक्चर मेरा चलेगा। जो आपके परीक्षा को सरल से सरलतम बनाता जाएगा मेरा हर लेक्चर, और आप इसको चेक कर सकते हैं हर लेक्चर को क्रम बाई क्रम। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आइए जहांगीर, 1605 से 1628 तक जहांगीर भाई जो शुरू के मुगल सम्राट है उनका आपको डेट 100% जानना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप ना जाने। जहांगीर के काल का बस एक घटना महत्वपूर्ण था, 1613 का मेवाड़ का संधि, जो मेवाड़ की संधि किया था उसने महाराजा अमर सिंह से,
तो वो आपको एक महत्वपूर्ण जानना है 1613 का। शाहजहां, शाहजहां जो गद्दी पर बैठा 1628 से 1658 तक इसका काल था, और इसके अंतिम चरण में ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। और उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब का काल था 1658 से 1707 तक, ठीक है। औरंगजेब का काल निश्चित ही भारत में धर्मांधता का काल था। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को जीता और 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीता, ठीक है ना। और अपने घृणित कार्यों को आगे बढ़ाते हुए औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लगा दिया। ये बहुत बार आता है अपने शासन काल के, ठीक है, अपने शासन काल में 1679 में इसने जजिया कर को पुनः लगा दिया। जब मुगल साम्राज्य मरणासन्न था यानी पतन की ओर बढ़ रहा था, उसी समय भारत में एक आक्रमण हुआ ईरान के नेपोलियन का, जिसका नाम था नादिर शाह। ये वही नादिर शाह है जो सिंहासन, प्रसिद्ध तख्ते ताऊस जो मयूर सिंहासन कहलाता था, उसको अपने साथ ले गया, ठीक है ना। ईरान का जो शासक था नादिर शाह, और वो आक्रमण कब हुआ था 1739 में, और उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, उत्तरकालीन मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, 1857 के संग्राम में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी से उतार दिया, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया। इसी समय एक युद्ध और हुआ जिसका नाम था 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत के तृतीय युद्ध में एक और मराठे थे, सदाशिवराव भाऊ इसके नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरी ओर कौन थे, कौन था दूसरी ओर जो है, वो अहमद शाह अब्दाली था, अफगानिस्तान का शासक था, जिसमें अब्दाली ने बुरी तरीके से मराठों को परास्त किया। और इस युद्ध ने निर्धारित नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह निर्धारित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठे, ठीक है ना। तो अब आइए आगे बढ़ा जाए, मराठा साम्राज्य के अंदर जरा प्रवेश किया जाए। और मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करने वाले थे शिवाजी, जिनका जन्म हुआ था 1627 में सिवनेर के दुर्ग में। सिवनेर के दुर्ग में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, माता जीजाबाई के गर्भ से, पिता शाहजी थे। और 1639 में शिवाजी को अपने पिताजी से पूना की जागीर मिली थी। 1639 में पूना की जागीर ही शिवाजी के लिए एक निर्णायक आधार बिंदु साबित हुई, और इसी को उन्होंने साम्राज्य में बदलकर छत्रपति की उपाधि धारण की। पहला विजय क्या था, 1646 का तोरणा का किला, तोरणा विजय उनका पहला महत्वपूर्ण विजय था 1646 में। फिर 1657 में मुगलों से उनका पहला भिड़ंत हुआ था। ये बहुत बार पूछता है कि शिवाजी का मुगलों से पहला सामना कब हुआ था, 1657 में। 1659 में अफजल खां की घटना हुई थी, जिसमें शिवाजी ने अफजल खां को 1659 में बगनखों से फाड़ दिया था। 1666 में शिवाजी का आगरा आगमन हुआ था। 1666 में शिवाजी आगरा आए थे, क्योंकि 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है ना। और पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने आगरा आना तय किया था, तो आगरा आए थे। और इसी आगरा आने के दौरान जो है उन्होंने क्या किया था, औरंगजेब को विश्वासघाती और बहुत सारे चीज कह दिए थे, इसीलिए औरंगजेब ने उसको क्या किया था, उनको बंदी बना लिया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1665 का पुरंदर का संधि, आप जरूर याद रखिएगा, जिसमें शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, 12 किले अपने पास रखे थे, ठीक है ना। शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था, हालांकि मुगल सम्राट तो औरंगजेब ही था, लेकिन शिवाजी और जय सिंह के बीच जो है ये हुआ था।
1666 में उसी संधि के तहत वो आगरा आए थे। 1674 में शिवाजी ने कई युद्ध जीतने के बाद जो है मुगलों से कई युद्ध जीतने के बाद 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। निश्चय ही उस मध्यकालीन वातावरण में जब चारों ओर इस्लामिक सत्ता की स्थापना थी उस समय शिवाजी ने एक हैंदव धर्म उद्धारक की उपाधि धारण करते हुए निश्चित ही सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में, सनातन शक्ति के शक्ति के रूप में, सनातन धर्म के शक्ति के रूप में कहीं ना कहीं अलग जगाने का काम उन्होंने किया और एक ऐसी राजनीतिक शक्ति की स्थापना की जो आगे चलकर भारत की प्रथम राजनीतिक शक्ति स्थापित हुई। कौन? मराठा साम्राज्य। अब आइए आप लोग जिस पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं वह आधुनिक भारत। आप लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि इतिहास का प्रत्येक चरण तिथियों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तारीखों में इतिहास अध्ययन का मेरा उद्देश्य ही यही था कि आप प्राचीन भी जाने, मध्यकालीन भी जाने और आधुनिक भी जाने। तारीखों में इतिहास आज जो मेरा लेक्चर है, तिथियों में इतिहास जो आज का मेरा लेक्चर है, उसका मूल उद्देश्य यही था इतिहास का प्रत्येक चरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक चरण में आपको बराबर का ध्यान देना है। सिविल सेवा की परीक्षा में केवल एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र में आने वाले बिंदुओं को, प्रश्नों को ही आधार मत बनाएं कि यहां से ज्यादा आता है तो इसको ज्यादा पढ़ेंगे, यहां से कम आता है तो इसको कम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग अगर उलट गया तो जो कम आता है वहां से ज्यादा दे देगा, जहां ज्यादा आता है वहां से कम दे देगा। कोई घटना दो बार हुई, कोई घटना तीन बार हुई, कोई घटना 10 बार हुई, कोई घटना 20 बार हुई, इसका मतलब नहीं है कि वो घटना 25वीं बार भी होगी। ये कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि हम ऐसा कार्य करें, ऐसी तैयारी करें कि एग्जामिनेशन हाल में हमारे सफलता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह न लगा रहे। इसी के तहत तारीखों में आज जो मैं आपको इतिहास बता रहा हूं उसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों के इतिहास को, तीनों के तिथि क्रम को उतना ही महत्वपूर्ण साबित कर रहा हूं। आइए मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाए। आधुनिक भारत का आगमन कहां से हो जाता है? 1498 से। जब 1498 से? कब? जब वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पर उतरा। जब वास्को डिगामा कालीकट के जमोरिन के बंदरगाह पर उतरा, कालीकट के जमोरिन राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। यहीं से आधुनिक भारत का प्रारंभ हो जाता है 1498 में, और यहीं से पुर्तगालियों का आगमन हुआ। तो पुर्तगालियों ने भारत में पहला फैक्ट्री कब खोला? 1503 में कोचीन में। याद रख लीजिए इसको, 1503 में पहली फैक्ट्री किसने खोली? पुर्तगालियों में। कहां पर खोला? कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1503 में कहां स्थापित की? कोचीन में। 1505 में कन्नौर में, 1505 में कन्नौर में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। किसने? पुर्तगालियों ने। और 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1510 में पुर्तगालियों ने आदिल शाह वंश के शासक, बीजापुर के आदिल शाह से क्या जीत लिया? गोवा जीत लिया। और ये वही गोवा है जो आगे चलकर पुर्तगालियों की राजधानी भी बनी, और ये वही गोवा है जिसको आजादी के बाद आजाद करवाया गया 1961 में। पुर्तगाली पहले ऐसे यूरोपीय शक्ति थी जो सबसे पहले भी आई और सबसे बाद में गई। 1498 से आगमन हुआ, 1961 में भारत छोड़कर गए। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, ठीक है। इसके बाद पुर्तगालियों ने 1556 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहां हुई थी? गोवा में। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। 1605 में पुर्तगालियों ने
पुर्तगालियों ने 1605 में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की। 1605 में अकबर का भी शासन था, 1605 के उत्तरार्ध में किसका शासन स्थापित हुआ, जहांगीर का। अब ये जहांगीर का काल था कि अकबर का काल था, तो सही जान लीजिए कि 1605 के उत्तरार्ध में यानी जहांगीर के काल में पुर्तगालियों ने भारत को नशेड़ी गजेड़ी बनाने का काम किया, यानी तंबाकू की खेती प्रारंभ की। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। आज मैंने यही बताया आपको कि मैं फैक्ट नहीं बताऊंगा, फिर भी व्याख्या करना पड़ रहा है, क्योंकि इतिहास का जो अध्ययन आप लोग करते हैं वो बेसलेस अध्ययन नहीं करना है। अब आपको पूछ रहे हो कि बेसलेस अध्ययन क्या होता है, अगर आप बिंदुवार पढ़ते जाइए उसके आगे पीछे करना जानिए तो याद नहीं होगा कभी भी। कोई भी ऐसा परीक्षार्थी जो बिंदुवार इतिहास को याद करने का प्रयत्न कर रहा हो वो कभी तैयार नहीं कर पाएगा, उसको आगे पीछे की कहानी जरूर जाननी पड़ेगी। यही कारण है कि तारीख बताने के वजह से बाद भी मुझे तथ्य बताना पड़ रहा है, ताकि आपका बेस बना रहे, बेस बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। हालांकि लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, कई घंटे का ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ी सा तीव्रता रखना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं सब बताऊं। लेकिन सीमा आप मेरी समझ सकते हैं, कई घंटे का लेक्चर नहीं दे सकता हूं, वरना एक एक तारीख पर बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन उतना रखना नहीं है, क्योंकि ये सीमा है। YouTube पे जो भी लेक्चर दिए जाते हैं उसकी सीमा है, मैं 5 घंटे 10 घंटे का लेक्चर नहीं दे सकता हूं। ठीक है, इसकी सीमा हमें बनाना पड़ेगा ताकि आप आराम से पढ़ सकें। तो 1605 के उत्तरार्ध में उन्होंने तंबाकू की खेती प्रारंभ की। इसके बाद डच आए, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 1605 में डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली, कहां पर, मसूलीपट्टनम में। यानी डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में। 1759 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बेदरा का युद्ध, और इस बेदरा के युद्ध से अंग्रेजों ने डचों को भारत में अंतिम रूप से परास्त कर दिया, और भारत से डचों का पत्ता समाप्त हो गया। 1759 का वेदरा का युद्ध याद रखिए, छोड़ना नहीं है। 1759 का वेदरा का युद्ध जो है वो भारत में डचों की सत्ता को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में परास्त कर दिया। अब आइए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई, 1600 में पूरब से व्यापार करने का, 15 वर्षों का व्यापार करने का क्या प्राप्त हुआ, एकाधिकार प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ, अंग्रेजों को। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार 15 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ। ठीक है ना। 1609 में जो ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम, उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भेजा। आपको जान के आश्चर्य होगा, कैप्टन हॉकिंस जो पत्र लाया था वो अकबर के नाम का लाया था, लेकिन 1609 में भारत में किसका काल था, जहांगीर का। जहांगीर ने उसको अपने वहां सम्मान से रखा, और 400 मनसब का जहांगीरदार भी बनवाया, इंग्लिश खां की उपाधि भी दी, मनसबदार भी बनवाया। किसको, कैप्टन हॉकिंस को। 1611 में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री खोला, कहां पर, मसूलीपट्टनम में। 1613 में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोला। कई किताबों में दिया 1613 सूरत प्रथम फैक्ट्री था अंग्रेजों का, कई किताबों में दिया 1611 मसूलीपट्टनम। आज इस मंच से इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। अगर अंग्रेजों का केवल प्रथम फैक्ट्री बोल रहा है तो हर हाल में 1611 का मसूलीपट्टनम वाला प्रथम फैक्ट्री था, लेकिन यदि यह पूछे कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम अधिकृत फैक्ट्री कौन था, अधिकृत माने जिसको उस समय के सम्राट का आदेश मिला हो, अनुमति मिला हो, तो वो 1613 का सूरत था, जहांगीर के आदेश के माध्यम से वो स्थापित हुआ था। अगर अधिकृत नाम नहीं लेगा और ऑप्शन में मसूलीपट्टनम है तो हर हाल में मसूलीपट्टनम ही लगेगा, सूरत नहीं लगेगा। सूरत तभी लगेगा या तो ऑप्शन में मसूलीपट्टनम ना हो, या तो पूछे कि अधिकृत फैक्ट्री कौन था, तो अधिकृत फैक्ट्री जो था वही था। 1615 में टॉमस रो आया, जेम्स प्रथम ने अगला राजदूत भेजा टॉमस रो,
टॉमस रो भी चाह रहा था कि अंग्रेज मुगलों से कुछ बढ़िया फरमान प्राप्त करे, लेकिन कर नहीं पाया। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। गोलकुंडा से सुल्तान के सुल्तान से 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। फरमान क्या था कि 500 पैगोडा देकर, 500 वार्षिकी देकर वो गोलकुंडा के बंदरगाहों पर फ्री में व्यापार कर सकते हैं। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लिया। 1639 में, 1698 में अंग्रेजों को, याद रखिएगा, 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। और अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम किलेबंदी जो किया गया था नगर का, वो मद्रास को ही किया गया था, ठीक है। 1698 में अंग्रेजों को बंगाल में 3 गांव की जमींदारी मिली, सुतनाती कोलकाता और गोविंदपुर। और यही सुतनाती कोलकाता और गोविंदपुर जो है 1700 में फोर्ट विलियम बना, और यही फोर्ट विलियम आगे जाकर क्या बन गया, कलकत्ता, ठीक है ना। तो 1698 में जो फोर्ट विलियम बना था, ठीक है, अंग्रेजों का जो स्थापित हुआ, यही आगे चलकर 1700 में फोर्ट विलियम बन गया, और यही आगे चल के क्या बन गया, कलकत्ता बन गया। अंग्रेज रियायत खोज रहे थे, लेकिन रियायत उनको मिल नहीं रहा था। 1717 में अंग्रेजों को जो मुगल सम्राट था फर्रुख सियर, याद रखिएगा, 1717 में फर्रुख सियर से फरमान मिला, और इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि 1717 के फरमान से 3000 वार्षिक के बदले पूरे बंगाल में फ्री व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। जिस रियायत को अंग्रेज अभी तक ढूंढ रहे थे, वो 1717 के फर्रुख सियर के फरमान से प्राप्त हुआ। बंगाल में सत्ता की स्थापना के क्रम में अंग्रेजों को 2 बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा। 1756 में एक घटना घटी जो ब्लैक होल की घटना थी, जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया था, किसने, सिराजुद्दौला ने, जब उसने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, कुछ ही उस कमरे से निकले, उसको ब्लैक होल की घटना कही जाती है। 9 फरवरी 1757 को जब अंग्रेजों ने सैन्य अभियान कर दिया, किसके विरुद्ध, सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को मजबूरी में संधि करना पड़ा। सर्वनाक संधि था, और उस संधि का नाम था अली नगर की संधि। क्या नाम था, अली नगर की संधि, 9 फरवरी 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और लॉर्ड क्लाइव के बीच, जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था, अंग्रेजी जनरल गवर्नर था। और इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को भी डाला, इसमें प्लासी के युद्ध ने। प्लासी का युद्ध हालांकि छल कपट का विजय था, लेकिन कहीं न कहीं बंगाल का नवाब कठपुतली हो गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भी पड़ गई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो ने बंगाल के नवाब को हराया, अवध के नवाब को हराया, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों की सेनाओं, संयुक्त सेना को किसने परास्त किया, हेक्टर मुनरो ने, कैप्टन मुनरो ने। और 1764 के बक्सर युद्ध में पराजय के बाद निश्चित ही भारतीयों की हथेली पर गुलामी लिख दिया गया, जिसको 15 अगस्त 1947 को ही मिटाया जा सका। आइए कुछ और ऐतिहासिक तिथि क्रम को देख लिया जाए, और यहीं से आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में प्रश्न आ जाएंगे। चार्ट बना लीजिए, कोई बहुत ज्यादा तिथियां नहीं है, ठीक है, कुछ हो जाएंगे, 100-150 आप डिस्टर्ब ना होंगे, बहुत आसानी से याद होगा, लेकिन तारीख वाली समस्या तो आपकी समाप्त हो जाएगी आज की बात, इसलिए आप जरा सा भी टेंशन ना लीजिए, लाइन से इसको करते चलिए। 1793 में स्थाई बंदोबस्त की स्थापना की, किसने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है ना, यही जमींदारी प्रथा भी कहलाया। पहले 10 वर्ष का लगान का निर्धारण होता था,
बाद में लॉर्ड कार्नवालिस ने इसको स्थाई कर दिया, इसीलिए इसको स्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, जमींदारी प्रथा, इस्तमरारी बंदोबस्त। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या लाया था, सहायक संधि लाया था, और पहला सहायक संधि किसने स्वीकार किया था, हैदराबाद ने, और डेट क्या था, 1798, ठीक है ना, 1798 में पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो रियासत था, राज्य था, वो हैदराबाद था, वेले जली की सहायक संधि। 1824 में पिंडारियों का दमन किया गया, और किसके काल में किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, लेकिन किया किसने, थॉमस हिस्लोप ने, थॉमस हिस्लोप ने पिंडारियों का दमन किया था। 1829 के नियम 17, 1829 में एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट के नियम 17 से भारत में सती प्रथा का निषेध कर दिया गया, यानी सती प्रथा का अंत कर दिया, और किसके काल में किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, किस सन में, 1829 के एक्ट से नियम 17 के माध्यम से भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1833 का जो एक्ट आया, 1833 का, उसी एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में शासन करने वाला अंग्रेजों का पहला उदारवादी गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, ठीक है ना। तो 1833 के चार्टर एक्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1843 में सिंध का विलय किया गया, और 1843 में भारत में ये सिंध का विलय जो है, जो एलनबरो के काल में हुआ था, और एलनबरो, ये सिंध का विलय जो है अंग्रेजों के लिए एक धब्बा भी माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 1848 में पहला जो हड़प नीत के तहत डलहौजी ने जिस पहले राज्य को मिलाया था वो था सतारा, और वो किस सन में मिलाया था, 1848। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जरूर पूछता ही है, कि अंग्रेजों द्वारा मिलाया गया पहला हड़प नीत के तहत पहला जो राज था जिसको डलहौजी ने मिलाया था वो सतारा था, और किस सन में, 1848। 1853 में भारत में प्रथम ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से ठाणे तक, 1853 में। 1854 में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया था, जिसको वुड डिस्पैच कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच। 1854 में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच को माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव पड़ी वो 1854 के वुड डिस्पैच से माना जाता है। तो कब आया, 1854 में, किसके काल में, इसी के काल में, ठीक है ना। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, ये नियमित नहीं था लेकिन जनगणना का प्रारंभ 1872 से ही माना जाता है। 1878 में दो एक्ट आए थे, पहला वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जिसके माध्यम से लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया था, ठीक है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और 1878 में आर्म्स एक्ट भी आया था, शस्त्र अधिनियम भी आया था, भारतीयों पर शस्त्र रखने पर रोक लगा दिया था। ये दोनों एक्ट जो आए थे 1878 में आए थे, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो चाहे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो, लॉर्ड लिटन के काल में, याद रखिए हर साल लगभग आता ही है। भारत की कोई भी परीक्षा हो, तिथियों का जो इतिहास में जो समस्या है वो सब दूर हो जाएगा अगर आप इस क्रम से पढ़ लेते हैं। तो भारत में इतिहास पर आधारित कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में इतिहास में जो तिथियों की समस्या है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल 100% तिथियां आ जा रही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको मैं बताने का पूरा कोशिश कर, तो निश्चित वो समस्या दूर हो जाएगी। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया, ठीक है ना, प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया, जिसमें 7 वर्ष तक के नीचे के बच्चे को
काम करने पर रोक लगा दिया, 7 वर्ष के नीचे तक बच्चा काम नहीं कर सकता, प्रथम फैक्ट्री एक्ट। 1883 में इल्बर्ट बिल आया, इल्बर्ट बिल ये वही बिल था, इल्बर्ट बिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल में यह तय कर दिया गया था कि अब एक भारतीय जज भी ब्रिटिश अपराधी का सुनवाई कर सकता है। अंग्रेजों ने बड़ा विरोध किया था कि एक हम लोग मालिक हैं और गुलामी जज जो है हमारा सुनवाई करेगा। श्वेत विद्रोह हुआ था, बाद में इसको चेंज करना पड़ा। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 में आया था, बहुत महत्वपूर्ण विवाद है, आपको याद रखना चाहिए। अब आइए हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन में जरा इंटर कर जाते हैं। थोड़ी सा क्रम आगे पीछे हो रहा होगा क्योंकि चैप्टर वाइज भी मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो आपको ऐसे आप चाहेंगे तो उसको और इलाबोरेट कर सकते हैं और व्याख्यायित कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही है कि चैप्टर वाइज में धार्मिक आंदोलन में जब आएंगे तो 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, ब्रह्म सभा, और यही ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज हो गया। तो आपके एग्जाम में सीधे ये जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी 1828, लेकिन असल में ये ब्रह्म सभा था जो आगे चलकर ब्रह्म समाज हो गया, जिसकी स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। 1867 में किसकी स्थापना हुई, प्रार्थना समाज की, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती में, और 1875 में ही थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, और बाद में यह मद्रास के अडयार में उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया था। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। और आगे चल के 1897 में भारत के महान क्रांतिकारी संत स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, ठीक है। तो तारीखों में आप देख रहे होंगे कि इसमें से आधे ज्यादा तारीख आप स्वयं याद रखते हो, कुछ में बस प्रयास आपको करना है और निश्चित ही सफलता हर हाल में आपके द्वार पे होगी। कोई बिल्कुल मैं आपको हाँ नई चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन चीज को नए तरीके से जरूर आपको लग रहा होगा, नई चीज नहीं है, जो आपको जानना चाहिए वही है, ठीक है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर हाल में इसको सही से बताऊं। 1873 में ज्योतिबा फूले ने एक संगठन की स्थापना की जिसको कहते हैं सत्य शोधक समाज। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। भारत में मंदिर प्रवेश का दो आंदोलन हुआ था, एक 1924 में वायकम सत्याग्रह हुआ था और 1931 में गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ, दोनों याद रखिएगा, 1924 का वायकम सत्याग्रह और 1931 का गुरुवायूर। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, ये जनजातियों का पहला प्रबल विद्रोह था, हालांकि इसके पहले कई जनजाति विद्रोह हो चुके थे, लेकिन 1855-56 का संथाल विद्रोह और 1899-1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह को अंग्रेजों ने उलगुलान कहा है, उलगुलान माने महाविद्रोह। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किसको महाविद्रोह कहा जाता था, तो जो उलगुलान यानी जो मुंडा विद्रोह था जिसके संस्थापक बिरसा मुंडा थे, तो ये महाविद्रोह उलगुलान अंग्रेजों ने कहा है अपने गजट में, उसको महाविद्रोह कहा था, याद रखिएगा मुंडा विद्रोह को। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था, नील आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, 1859-60 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो गांधी जी ने किया था, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां आधुनिक भारत की रही। अब हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष में इंटर कर रहे हैं, जिसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया कि हर घटना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा की परीक्षा में जितनी तिथियां मैं आपको बता रहा हूं, देखने में आपको ज्यादा लग रहा होगा, असल में ज्यादा नहीं है, आदेश ज्यादा आप खुद याद रखे हुए,
लेकिन अब मैं आपका दिमाग मेंशन यहां करवा रहा हूं, केंद्रित करवा रहा हूं, परीक्षा केंद्रित करवा रहा हूं। अब आपको इसको केंद्रित होके सही से याद रखना है, ठीक है? तो संग्राम, स्वतंत्रता संघर्ष में हम लोग इंटर कर गए हैं। सबसे पहले 57 का संग्राम हुआ, 1857 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ और 11 मई को बहादुर शाह जफर पर पहुंचकर मेरठ के सैनिकों ने उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो 1857 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, और भारत में क्रमबद्ध आंदोलन यहीं से प्रारंभ हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, भारत में बढ़ने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करने के लिए, सांप्रदायिकता को बढ़ाकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के इशारे पर ही ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में क्या स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की। भारत के विभाजन का कारण भी यही मुस्लिम लीग बना। तो अंग्रेजों का जो कुटिल नीति था, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, यही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है उसमें विभाजन हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार, जिसको 1909 का अधिनियम भी कहा जाता है, ये वही मार्ले मिंटो सुधार है 1909 का, जिसको आप 1909 का अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। 1916 में दो घटनाएं घटी। सबसे पहला तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हो गया, जो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन आंदोलन प्रारंभ किया। और दूसरा, 1916 में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, ठीक है? तो दो चीजें आप याद रखिए 1916 का, एक होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया, दूसरा कांग्रेस और लीग के बीच होने वाला लखनऊ समझौता। 1919 में रॉलेट एक्ट आया और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया और 13 अप्रैल 1919 को भारत का सबसे काला दिन आया, जिस दिन हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें कुछ जलियांवाला में मेला लगा था और कुछ लोग बैठ के, बहुत सारे ग्रामीण भी लगे थे भाषण सुनने, और उसी में जनरल डायर ने इसको चलवा दिया और हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट तो बहुत कम थी, लेकिन असल में 1000 से ऊपर लोग मारे गए। 1919 का अधिनियम आया 1919 में, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है 1919 का, इसी को 1919 का अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए जो आंदोलन आया भारत के मुसलमानों ने किया, उसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और 1920 में भारत का पहला शक्तिशाली आंदोलन चला, वो था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा और प्रारंभ किया असहयोग आंदोलन, ठीक है ना? लेकिन 4 फरवरी 1922 को क्या हो गया? चौरी चौरा कांड, ठीक है ना? 4 फरवरी 1922 को, कई जगह ये 5 फरवरी भी दिया हुआ है, लेकिन गजट माना जाता है कि 4 फरवरी भी है, तो 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें पुलिस को एक थाने में, चौरी चौरा के थाने में बंद करके आम जनता ने बहुत सारे पुलिस को जला दिया, पुलिसों को, तो उसी को चौरी चौरा कांड भी कहा जाता है, ठीक है ना?
1927 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ और साइमन गो बैक का नारा लगा और उसी विद्रोह आंदोलन के दौरान जो है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार हुआ भारत के संविधान के लिए, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट किस काल में आया, 1928 में यह आया। 1929 में भारत के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, 1929, याद रखिए इस डेट को, 1929, ठीक है ना, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका, सरदार भगत सिंह। खाली बेंचों पर बहरों को सुनाने के लिए अधिक कोलाहल करना पड़ता है, यही नारा था उनका, ठीक है ना, और इसी नारा को सुनाकर अंग्रेजों को सुनाने चाहते थे अपनी बात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर एक मुट्ठी हाथ में नमक लेकर गांधी जी ने प्रारंभ किया नमक आंदोलन, जो कहलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति को लेकर असहयोग आंदोलन चला था और पूर्ण स्वराज को लेकर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो 1930 का समय क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे ही दांडी में गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक उठाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब लेक्चर मैं अलग से बहुत विस्तार से दूंगा, लेकिन पहले हम लोग तिथि को जरा याद कर लें, डेट्स को याद कर लें, ताकि आपकी समस्या समाप्त हो जाए। अब 1930 का काल केवल इसी लेना ही है सविनय। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। भारत के संघीय ढांचे पर विचार करने के लिए जो तीन गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था, 1930, 1931 और 1932। 1931 में ही गांधी और इरविन समझौता हुआ और इसी गांधी इरविन समझौता से यह तैयार हुए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। गांधी इरविन समझौता समापन था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उसी लिए हुआ था ताकि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करें और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो, ठीक है। 1932 में पूना समझौता हुआ, क्यों, क्योंकि 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड आया जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। गांधी जी ने अनशन जेल से प्रारंभ किया और इसी उस पे आगे चलकर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता, याद रख लीजिए 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसको क्या कहते हैं, पूना समझौता, और पृथक निर्वाचन मंडल को इनकार कर दिया गया। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर भी तैयार हो गए, लेकिन राज्य विधान मंडलों में और केंद्रीय में सीटों को रिजर्व किया गया और बढ़ाया गया दलितों के लिए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया सबसे बड़ा विधान पत्र था। 22 दिसंबर 1939 को जब कांग्रेस के सभी सरकारों ने, 1937 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी कई जगह, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस के सरकारों से इजाजत लिए ही उसको भारत को पूरे युद्ध में अंग्रेजों ने शामिल कर लिया, तो सभी लोगों ने त्यागपत्र दे दिया सारी कांग्रेस सरकारों ने। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, 22 दिसंबर 1939 को। 1940 में इसका विरोध किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, 1945 में वेवल योजना आया, ठीक है ना, और 1900, लेकिन इसके पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक के मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ और 8 अगस्त 1942 को ही तय हो गया कि भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। लेकिन 9 अगस्त को सुबह ही सारे नेता पकड़ लिए गए और शुरू हो गया नेतृत्व विहीन भारत छोड़ो आंदोलन, जो चरम पर पहुंचा। ठीक है ना, तो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ और इसी समय वेवल योजना जो आया था 45 में, उसी पर शिमला सम्मेलन हुआ था। 1945 में वेवल योजना और 1945 में ही शिमला सम्मेलन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जो अंग्रेजों का अंतिम प्रयास था। ये वही कैबिनेट मिशन है जिसने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का सिफारिश किया और ये वही संविधान सभा है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। 1946 में 18 फरवरी 1946 को नाविक विद्रोह हुआ, ऋण विद्रोह। भारत में अंग्रेजों की अंतिम जो शक्ति थी सेना, वो भी अब विद्रोह में शामिल हो गई थी। 18 फरवरी 1946 का नाविक विद्रोह जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना को जब लगा कि अब पाकिस्तान मिलने वाला नहीं है सीधी उंगली से, तो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने अपनी धूर्तता और मक्कारी को बढ़ाते हुए डायरेक्ट एक्शन प्रारंभ कर दिया, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। सीधे साधे हिंसा को उसने क्या किया, सीधे साधे हिंसा को उसने आह्वान किया, हजारों लोग मारे गए। यह अंतिम घटना थी जिसने कांग्रेस और गांधी जी को मजबूर कर दिया कि भारत का विभाजन अब एक अंतिम सत्य है। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना द्वारा शुरू किया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री नहीं, उपाध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका डिजिनेशन क्या था, उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन था, गवर्नर जनरल। ठीक है ना, 2 सितंबर 1946। 3 जून 1947 को एक योजना पेश हुआ जिसको मन बाटन योजना कहते हैं। असल में उसका नाम तो माउंट बेटन योजना था जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ, लेकिन भारत के दो मनों को इसने बांटा था, इसलिए इसको आलोचना में मन बाटन योजना भी कहा जाता है। 3 जून 1947, और माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद देश बन गया। इससे पहले एक दिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक एक नया देश का निर्माण भारत को विभाजित करके कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। ये पूरी तिथिवत कथा, तिथि क्रम मैंने आपको पूरा इतिहास का शुरू से अंत तक बताया। मेरा यह प्रयास निश्चित आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कितना मैं सफल रहा ये आप जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जरा सा भी लाभ देता है तो निश्चित ही मैं अपना एक सफल लेक्चर मानूंगा। आगे आने वाले समस्त लेक्चर परीक्षा केंद्रित ही होंगे और मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य के मंच आईएएस के मंच से ऐसे ही लेक्चर रेगुलर परीक्षा केंद्रित लाऊंगा, और चाहे वो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मेंस की परीक्षा हो, हर लेक्चर में उसको सरल बनाने का प्रयत्न करूंगा। एक नए लेक्चर वीडियो में आपके समक्ष में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।